हाय फ्रेंड, आ जाइए हमारे पास i20 2017 मॉडल। कस्टमर का कंप्लेन है, इसमें मिस फायरिंग है और कभी कभी गाड़ी भी बंद हो जा रही है और माइलेज में भी प्रॉब्लम आ रही है गाड़ी में और गाड़ी थोड़ी सी गर्म भी हो रही है मिसिंग से। अभी हम सबसे पहले इग्निशन ऑन करेंगे गाड़ी का। इग्निशन ऑन करने के बाद, इग्निशन हमारा ऑन है, अभी हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद दिखाएंगे आपको, हल्की सी RPM भी इसका फ्लक्चुएट कर रहा है कभी कभी, गाड़ी में मिसिंग भी है। गाड़ी हम एक्सलेट करेंगे, गाड़ी में हम एक्सलेट कर रहे हैं, गाड़ी प्रॉपर तरीके से एक्सलेट नहीं ले रही है। अभी हम इंजन भी दिखाएंगे आपका, इसका गाड़ी का प्रॉपरली इसमें एक्सलेट नहीं लगता है। हम आ चुके बाहर गाड़ी इंजन के पास। अभी आप देख सकते हो, अभी इंजन चल रहा, हल्की हल्की सी इसमें मिसफायरिंग हो रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें हल्की सी मिसिंग है, आप देख सकते हैं फ्रेंड, इसमें हल्की सी मिसिंग आ रही है। कभी कभी इंजन नॉक भी कर रहा है, आप देख सकते हैं इसमें, देख सकते कितनी। अभी पीछे साइड चल के दिखाएंगे साइलेंसर से कितनी मिसफायरिंग आ रही है। अभी आप देख सकते हैं पीछे हम आए, गाड़ी के पीछे हम आए, आप देख सकते हैं मिसिंग कितनी आ रही है। अभी हम अंदर चल के पहले इसका डायग्नोस करेंगे, डायग्नोस करने के बाद बताएंगे हम आपको कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। अभी हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, गाड़ी हमारी स्टार्ट है। सबसे पहले इसका हम स्कैन करेंगे, स्कैन करने से पहले OBD बोर्ड का ये ढक्कन बाहर निकालेंगे। निकालने के बाद इसमें सिस्टम फिल यहाँ पर लगता है इसका OBD हमने लगाया। अभी हम करेंगे गाड़ी को बंद, इग्निशन हमारा ऑन है, स्कैन करेंगे, स्कैन टूल से दिखाएंगे आपको। सबसे पहले हम इंजन में जाएंगे, इंजन में जाके हम रीड फॉल्ट करेंगे। अभी रीड फॉल्ट करेंगे हम, अभी नो DTC, कोई DTC नहीं है। अभी हम चेक करेंगे लाइव डाटा में, लाइव डाटा में जाने के बाद दिखाएंगे हम आपको। हम आ चुके हैं लाइव डाटा में, अभी हम जाएंगे सिलेंडर 4 में, 4 सिलेंडर हम फिक्स करेंगे इसमें, हम मिसफायरिंग किस सिलेंडर से आ रही है हमारी, चूज़ करेंगे यहाँ से 1, 2, 3, 4 सिलेंडर, ओके करेंगे। ओके करने बाद हमारी गाड़ी स्टार्ट रहनी चाहिए, गाड़ी हमारी इग्निशन ऑन है, गाड़ी हमारी स्टार्ट है, अभी गाड़ी में मिसफायरिंग है। अभी हमने लाइव डाटा में चारों सिलेंडर चूज़ किए, न्यूट्रल हमारी गाड़ी है, क्लच दबा के गाड़ी को करेंगे स्टार्ट। गाड़ी हमारी प्रॉपरली स्टार्ट है। अभी हम देखेंगे इसमें मिसफायर किस किस सिलेंडर में हो रहा है। आप देख सकते हैं फ्रेंड, सिलेंडर 3 में भी मिसफायरिंग हो रही है, सिलेंडर 1 में भी मिसफायर आ रही है। 8 टाइम हमारा सिलेंडर 1 में मिसफायरिंग होगी, सिलेंडर 3 में हो गया लगभग 300 तक होता है, 200 वेरी करता है, इतनी बार ये मिसफायरिंग होती है। अभी हम 1 में आ रही है 16 बार, जो सिलेंडर 1 है उसमें 16 बार आया है, जो सिलेंडर 3 है उसमें आया लगभग 100-200 तक हो जाता है, इसमें इतनी बार ये मिसफायरिंग करती है। देखो फ्रेंड, ऊपर सिलेंडर 1। अभी हम बाहर चल के दिखाएंगे आपको गाड़ी में एक्चुअली क्या प्रॉब्लम आ चुकी है। अभी हमारी गाड़ी स्टार्ट है, मिसफायरिंग, RPM भी हमारा फ्लक्चुएट कर रहा है, आप देख सकते हो फ्रेंड। अभी बाहर चल के दिखाएंगे एक्चुअली गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आ चुकी है। अभी हम आ चुके हैं गाड़ी के बाहर, अभी हम सबसे पहले चेक करेंगे इसके इग्निशन कॉयल, स्पार्क प्लग और इसके इंजेक्टर। सबसे पहले हम चेक करेंगे इसके इंजेक्टर, कभी कभी इसके इंजेक्टर भी फेल रहते हैं, उस केस में भी ये प्रॉब्लम आ जाती है हमारी मिसफायरिंग। यहाँ स्पार्क लीड कोई ख़राब होगी उस केस में भी आ जाती है, हमारा स्पार्क प्लग भी ख़राब अगर हो जाए उस केस में भी हमारी मिसफायरिंग शुरू होती है गाड़ी में। अभी हम चेक करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम इंजेक्टर को बाहर निकालेंगे, इंजेक्टर को बाहर निकालेंगे, ये वर्क कर रहा है अभी। सिलेंडर नंबर 1 इंजेक्टर हमारा काम कर रहा है, अभी 3 करेंगे, ये दोनों 1 और 3 में कोड बन रहा था, अंदर मिसफायरिंग आ रही थी। अभी हम करेंगे ये भी ओके है। अभी हम इग्निशन कॉयल को भी चेक करेंगे, हमारी करंट भी प्रॉपरली आ रही है हल्की सी, और सिलेंडर नंबर 3 भी वर्क कर रहा है।
अभी हम स्पार्क प्लग खोल के ले लेंगे, अंदर देखेंगे क्या मिसिंग किससे आ रही है। अभी हमारे स्पार्क लीड भी ठीक है, ओके, हमारा इंजेक्टर भी ओके है, ये दोनों 1 और 3 इन दोनों में मिसिंग आ रही थी, 2 और 4 में ओके है। अभी खोल के ले लेंगे, दिखाएंगे आप। सबसे पहले हमने स्पार्क प्लग लीड हटाई, 1 और 3 में हमने निकाली बाहर। अभी स्पार्क प्लग को बाहर निकालेंगे, इसमें देखेंगे, क्योंकि 1 और 3 में ये प्रॉब्लम आ रही थी हमारी मिसफायरिंग की। अभी हम खोल के दिखाएंगे हम आपको। अभी हम स्पार्क लीड से हलप से हम निकालेंगे स्पार्क प्लग बाहर। अभी हमें थोड़ा सा और खोलना पड़ेगा, इसमें खोल के ले लिया हमने। अभी हमारा स्पार्क प्लग आ चुका है बाहर, एक सिलेंडर 1 का। अभी सिलेंडर 3 का हम निकालेंगे बाहर। अभी आ चुका हमारा बाहर, आगे कोई ना तो ऑयल ना पेट्रोल लगा है, प्लग तो वैसे साफ है, मगर एक प्रॉब्लम है इसमें। ये देख सकते हो फ्रेंड, इसमें क्या प्रॉब्लम आ चुकी है। अंदर वाली जो चुमनी लगी है इसमें, वो जैसे हम स्पार्क प्लग को फिट करते ये आगे जाके इसमें बंद हो जा रही है। हमारा स्पार्क प्रॉपरली से काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा मिसफायरिंग होती रही थी गाड़ी में। और सिलेंडर नंबर 1 और सिलेंडर नंबर 3 में ये दिखा रही थी, यही दोनों इसमें प्रॉब्लम है। अभी वो दो की भी सिलेंडर नंबर 2 और सिलेंडर नंबर 4 को भी खोल के दिखाएंगे, उन दोनों को भी दिखाएंगे खोल के उस स्पार्क प्लग कैसे है। अभी हम सिलेंडर नंबर 2 को खोल रहे हैं जो प्रॉपरली है, फिर भी हम चेक करेंगे अंदर। ये दोनों ये है, पहला और दूसरा, पहले और तीसरा। अभी इन दोनों को भी खोल के ले लेंगे, इनकी कंडीशन देखेंगे इनमें और उनमें कितनी फ़र्क है। ये आ गया बाहर, हमारा ये स्पार्क प्लग भी आ गया बाहर। अभी ये गर्म होने की वजह से ज़्यादा गर्म है, इन दोनों को देख सकते हो आप, ये प्रॉपरली आगे है, आप आगे इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दूसरा और फोर्थ है इसमें। अभी हम दिखाएंगे पहला और तीसरा, ये दोनों को रखेंगे साइड में, हम ये रखेंगे साइड में इधर। ये दोनों हैं पहला और तीसरा, इसमें देख सकते हैं कितनी प्रॉब्लम है। ये अंदर की चुमनी जो है वो नीचे आ रही है। अभी दिखाएंगे ये वाला, इसमें एक स्पार्क प्लग आप देख सकते हैं, इसमें चुमनी प्रॉपरली लगी है, इसमें चुमनी आगे जा रही है, ये प्रॉब्लम है इसमें। अभी स्पार्क प्लग दो को नया लगाएंगे, नया लगाने के बाद दिखाएंगे हम आपको मिसफायरिंग कितनी कंट्रोल आई। ये है पुरानी स्पार्क प्लग, ये आ चुके नए हुंडई के, बिल्कुल ब्रांड न्यू। आप देख सकते हैं अंदर जो चुमनी लगी है बिल्कुल प्रॉपरली लगी है, और इसमें भी लगी है प्रॉपरली। अभी फिक्स करके दिखाएंगे हम आपको। अभी हम फिक्स कर रहे हैं स्पार्क प्लग को, इनको फिक्स करने के बाद दिखाएंगे हम स्पार्क इग्निशन कॉइल इनके लीड। अभी हमारे स्पार्क प्लग प्रॉपरली लग गई। अभी अंदर चल के दिखाएंगे आपको गाड़ी स्टार्ट करके, फिर चेक करवाएंगे मिसिंग के सिस्टम में भी मिसिंग करवाएंगे चेक, पीछे साइलेंसर में, और इंजन को भी दिखाएंगे। हमारा इग्निशन ऑन हो चुका है, अभी गाड़ी को करेंगे स्टार्ट। हमारी गाड़ी प्रॉपरली स्टार्ट है, अभी हमारी गाड़ी प्रॉपरली स्टार्ट है। अभी सिस्टम से चेक करवाएंगे अभी मिसफायरिंग कहां तक पहुंची हमारी, पहले जो मिसफायरिंग हो रही है अभी प्रॉपरली मिसफायरिंग, कोई शॉट नहीं मार रहा है अभी। 1 2 3 4 सिलेंडर में, यहां से तो ये बिल्कुल ओके हो चुका है। अभी यहां से चेक करवाएंगे, आरपीएम भी कोई भी फ्लक्चुएट नहीं, कोई चेक इंजन लाइट नहीं, स्मूथली हमारा एक्सलेटर वर्क कर रहा है, बिल्कुल प्रॉपरली हो गई हमारी गाड़ी। अभी पीछे से साइलेंसर से भी दिखवाएंगे अभी मिसफायरिंग जो पहले आ रही थी, आप चेक करवाएंगे। अभी देख सकते हो पीछे साइलेंसर में कोई आवाज़ नहीं, कोई मिसिंग नहीं, प्रॉपरली हो चुका है यहाँ से भी। अभी आगे चल के इंजन का व्यू दिखाएंगे। अभी हमारा इंजन स्टार्ट है प्रॉपरली, पहले यहाँ देख सकते थे, यहाँ पहले मिसफायरिंग शो रही थी, ज़्यादा हिल रहा था ये वायरिंग। अभी हमारी हो चुकी है गाड़ी बिल्कुल ओके, हमारी गाड़ी अभी बिल्कुल फिट है, कोई मिसिंग नहीं। अभी हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, बिल्कुल ओके हमारी गाड़ी। गाड़ी को बंद करके फिर से स्टार्ट करेंगे, हमारा इग्निशन ऑन है, स्टार्ट। गाड़ी बिल्कुल प्रॉपरली फिट है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करना। हमारी गाड़ी अभी प्रॉपरली हुई।